नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ जीनत खान। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे बहू के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे बहू ने उसके साथ गलत व्यवहार करके घर के बाहर निकाल दिया। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की रहने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला राजकुमारी बाई ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद से ही उनका बेटा संजय सोलंकी और बहू बबीता सोलंकी पिछले 4 माह से लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्हें खाने को भी नहीं देते हैं और घर पर ताला लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया। इससे परेशान होकर वह अपनी बेटी के पास रहने चली गई। फिलहाल बुजुर्ग महिला ने बेटे बहू की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, सीनियर सिटीजन में एक अपनी जो फरियादी है राजकुमारी बाई, जिनके पति रामलाल सोलंकी शांत हो चुके हैं, ये 80 वर्ष की हैं। इनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट किया कि उनके बेटा बहू संजय सोलंकी और बहू बबीता सोलंकी आए दिन 4 महीने से काफ़ी परेशान कर रहे हैं और उनको खाना नहीं देते, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और उनको ताला लगा घर से ताला के बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हें जहाँ जाना जाओ। तो ये अपनी बेटी के पास सुजालपुर गई थी, फिर हमारे यहाँ आई और अपनी बात बताई, तो उसका उनके बेटा और बहू पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।